हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम यूट्यूब चैनल के लिए चैनल आर्ट बनाना सीखेंगे। चैनल आर्ट का सबसे पहले मैं आपको एग्जांपल दिखा दूं कि आप ये मेरे चैनल पे देख सकते हो, ये जो ऊपर ये दिख रहा है इसको बोलते हैं चैनल आर्ट। और चैनल आर्ट जो होता है उसका साइज आप देख सकते हो कि ये बहुत ही पतला होता है। इसके अलावा मैं आपको और कुछ एग्जाम्पल दिखा देता हूँ चैनल आर्ट का। जैसे कि ये देखिए, यहाँ पर ये चैनल आर्ट है। तो ये जो चैनल आर्ट आप देख सकते हो कि इसमें जो मेन साइज जो है वो बीच का जो ये इतना साइज है, यही आपको ध्यान देना होता है। तो इस चैनल आर्ट को बनाने के लिए मैं इसमें कोई भी टूल आपको नहीं बताऊंगा, बिल्कुल ही सिंपल। आप जो है पीपीटी में जो होता है पावर पॉइंट, उसमें आप जो है, या स्लाइड्स जो होता है गूगल का, उसमें आप इसको बना सकते हो। तो यहाँ पर और कुछ एग्जाम्पल, जैसे ये देखिए इस तरह का बिल्कुल ही प्रोफेशनल चैनल आर्ट जो है वो मैं आपको इसमें बनाना सिखाऊंगा। ठीक है, बनाने के लिए सबसे पहले आपको गूगल पे आ जाना है और गूगल पे आकर के आपको गूगल स्लाइड्स टाइप कर, तो गूगल स्लाइड्स आप ओपन करोगे। यहाँ पे फिर आपको गो टू गूगल स्लाइड्स पे आपको चले जाना है। यहाँ पे अब आपका स्लाइड्स ओपन हो जाएगा। अब इसमें आपको ब्लैंक जो है इसको आपको ओपन कर लेना है। ठीक, अब यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या करना है कि ये जो बॉक्स आपको दिख रहा है, इस बॉक्स को यहाँ पे आपको इसके बॉर्डर पे क्लिक करना है और यहाँ पे आकर के सबसे पहले इस बॉक्स को डिलीट कर देना है। ठीक है, तो यहाँ एडिट पे आप क्लिक करोगे और फिर यहाँ पे डिलीट कर दोगे। फिर इसको भी उसी तरह से डिलीट कर देना है। अब आपको क्या करना है कि ये जो कनवास है इसका सबसे पहले साइज मेंटेन करना है। तो यूट्यूब चैनल का जो साइज होता है वो कितना होता है सबसे पहले हम वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप चैनल पे आप आओगे तो यहाँ पे कैमरे के साइज पे आप क्लिक करोगे। तो जैसे ही कैमरे के साइज पे क्लिक करोगे यहाँ पे ये आ जाएगा आपके चैनल कस्टमाइजेशन पे। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपके चैनल का जो साइज है, यहाँ पे बैनर इमेज आपको यहाँ पे दिख रहा है, इसका रिजोल्यूशन है 2048x11052। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके साइज को, जो ये कनवास है इसका साइज पहले चेंज करेंगे। तो यहाँ पे फाइल पे आपको क्लिक करना है और फिर यहाँ नीचे आप आओगे तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा पेज सेटअप। इस पेज सेटअप पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको फिर से ये कस्टम पे क्लिक कर लेना है और इस सेंटीमीटर को आपको पिक्सल्स में चेंज कर देना है। और अब यहाँ पे जो भी साइज हमें रिकमेंड किया गया है, जैसे कि 2048 और यहाँ 1152, ठीक है, और इसको अप्लाई कर देना है। तो ये जो है आपका कनवास जो है वो उस साइज में आ गया। तो अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि सबसे पहले गूगल पे आकर के YouTube बैनर इमेज फॉर्मेट आपको सर्च कर लेना है। तो आपको यहाँ पे ढेर सारे फॉर्मेट इस तरह से मिल जाएंगे। इसमें से जो हमें YouTube जो सजेस्ट करता है वो वाला जो फॉर्मेट है वो ये है। ठीक है, तो इस वाले जो ये वाला जो फॉर्मेट है इसको आपको डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, और डाउनलोड करके फिर आप जो है यहाँ अपने स्लाइड में इसको जो है अपलोड करोगे। तो इसको कैसे करना है, तो जैसे कि आप यहाँ पे आपको इमेज का यहाँ पे आइकन मिल जाएगा इंसर्ट इमेज, तो इस पर आपको क्लिक करना है और ये सर्च फ्रॉम, या तो आप सर्च द वेब डायरेक्टली यहाँ से सर्च करके आप यहाँ पे यूज कर सकते हो या फिर अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर कर सकते हो। अगर आपने डाउनलोड किया है इमेज जो आपने डाउनलोड किया हुआ है उसको आप अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर कर सकते हो। तो मैंने जो इमेज डाउनलोड करके रखा है ये देखिए यहाँ पे, तो इसको मैं अपलोड कर दूंगा। अब ये अपलोड हो गया, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अपलोड हो गया। अब इसको आप पूरे अपने कनवास पे इसको फिट कर लो यहाँ पे। अब आपको इसको क्या करना है कि सबसे पहले इसको फॉर्मेट ऑप्शन पे जाना है और यहाँ पे आपको इसका जो इसको थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट कर लेना है। ठीक है, ताकि हमें बैकग्राउंड पे काम करने के लिए आसानी हो जाए। तो एडजस्टमेंट पे आपको क्लिक करना है और इसका ट्रांसपेरेंसी आपको जो है एकदम जो है थोड़ा सा बढ़ा देना है। तो ये इतना ट्रांसपेरेंट हो गया ताकि आप अगर काम करोगे तो आप जो टेक्स्ट जो है वो इस बीच वाले एरिया में ही आप जो है टेक्स्ट को लगा सको। ठीक है, तो ये हो गया फॉर्मेट इसका। अब आपको क्या करना है कि अब इसके बैकग्राउंड पे को चेंज करना है। तो अब बैकग्राउंड पे यहाँ पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो देखिए चूज इमेज का ऑप्शन आएगा। तो जैसे कि कलर भी आप सेलेक्ट कर सकते हो, अगर आपको कोई कलर पसंद हो, सिर्फ नॉर्मल कलर आपको रखना है तो यहाँ से कलर आप सेलेक्ट कर सकते हो। ग्रेडियंट आपको रखना है तो ग्रेडियंट सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आप चूज इमेज पर आप क्लिक करोगे। तो चूज इमेज पर क्लिक करोगे तो यहाँ से आप डायरेक्टली अब कोई भी, या तो आप इमेज पहले से डाउनलोड करके रखे हो तो यहाँ से आप जो है अपलोड कर सकते हो। हम सीधा इमेज जो है वो गूगल से ही सर्च कर लेंगे, गूगल इमेज सर्च का जो ऑप्शन है। तो यहाँ पे अब सर्च हम कर लेंगे, मान लीजिए कोई भी आपको बैकग्राउंड चाहिए। ठीक है, बैकग्राउंड इमेज हम यहाँ पे सर्च कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए आपको इतने सारे बैकग्राउंड जो है मिल जाते हैं। अब इसमें से जो भी इमेज आपको पसंद आए वो इमेज आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि मैंने ये, अब जैसे कि यहाँ पे मैं एक ये इमेज मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ और सेलेक्ट करने के बाद इसको इंसर्ट कर दूंगा। ठीक है, तो ये अब और फिर यहाँ पे डन कर देंगे।
अब यहाँ पे मेरा इमेज आ गया है, अब मुझे जो भी काम करना है वो यहीं पे काम करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो बीच का एरिया है, ये एरिया मोबाइल के लिए होता है। तो अब हम यहाँ पे अपना जो भी लोगो है, जो भी अपना टेक्स्ट है, वो यहाँ पे लगाएंगे। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, अपने चैनल का लोगो लगाओगे। तो आप यहाँ पे अपने चैनल का लोगो यहाँ पे इम्पोर्ट कर लोगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि फिर से इस इमेज पे क्लिक करना है, अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर से आपको अपना इमेज जो है अपलोड कर लेना। अब जैसे यहाँ पे मैं अपना ये इमेज जो है अपलोड कर लेता हूँ, तो ये इमेज देखिए यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। और फिर आपको इसको रिसाइज कर लेना है इस तरह से। अब चाहो तो रिसाइज करने के बाद आप चाहो तो ऐसे ही इसको छोड़ दो, या फिर अब इसमें आप कुछ और एक्स्ट्रा, जैसे कि आपको मान लीजिए इसको कोई शेप देना है, तो वो शेप आप यहाँ से दे सकते हो। तो शेप कैसे देना है, तो इसको सेलेक्ट रखोगे और फिर यहाँ क्रॉप का ऑप्शन है, मास्क इमेज जो दिया हुआ है, तो इसको मास्किंग हमें कर देना है। तो मास्किंग करने के लिए यहाँ पे देखिए इतने सारे आपको इमेज फॉर्मेट मिल जाते हैं जिसको कि आप यूज़ करोगे तो ये जो है मास्क हो जाएगा। तो जैसे कि मान लीजिए मैंने ये वाला यूज़ किया, तो अब ये वाला यूज़ किया तो आप देख सकते हो कि ये जो है इस तरह से हो गया, ठीक है। इसके अलावा अगर आप चाहो तो और कोई दूसरा, जैसे कि मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ ये ओवल राउंड शेप जो है वो हो गया, ठीक। तो अब देखिए ये राउंड हो गया, ठीक है, इस तरह से। अब इस इमेज में और कोई डिज़ाइन अगर आपको करना है तो यहाँ पे फॉर्मेट ऑप्शन पे आप जाओगे, और फॉर्मेट ऑप्शन में यहाँ पे आप देखोगे तो और भी आपको मिल जाते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे शैडो लगाना है इस इमेज के पीछे, तो इस पर आप क्लिक कर दोगे तो शैडो यहाँ पर आ जाएगा। फिर आप यहाँ पर शैडो में जो कलर है वो चेंज कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पर इतने सारे कलर मिल जाते हैं। तो शैडो में आपको कोई भी कलर अगर आपको चेंज करना है, जैसे कि मान लीजिए ब्लू कलर मुझे ये वाला मैंने चेंज कर दिया, ठीक है। उसके बाद आप डिस्टेंस इसका जो है वो सिलेक्ट कर लोगे। देखिए ये डिस्टेंस आप सिलेक्ट करोगे तो ये इसका डिस्टेंस जो वो बढ़ता जाएगा। अब एंगल जो है अपने हिसाब से एंगल आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो अब देखो तो ये देखोगे यहाँ पर, तो देखिए इस तरह से ये यहाँ पर आ जाएगा। उसके अलावा उसके बाद अब आप क्या करोगे कि यहाँ पर अब आपको टेक्स्ट लगाना है। तो मान लीजिए आपके चैनल का जो भी नाम है वो आप लगाओगे। टेक्स्ट लगाने के लिए आपको यहाँ पर इंसर्ट पर आना है, ठीक है, और यहां पे टेक्स्ट बॉक्स क्लिक कर लेना है और फिर यहां पे क्लिक करना है। तो देखिए टेक्स्ट बॉक्स यहां पे आ गया। अब इस टेक्स्ट बॉक्स में जो भी आपके चैनल का नाम है वो आप लिख दोगे यहां पे। तो यहां पे मैं अपने चैनल का नाम लिख दूंगा। चैनल के नाम लिखने के बाद जो है मैं इसका सबसे पहले क्या है, साइज इतना छोटा है तो सबसे पहले इन टेक्स्ट को मैं सेलेक्ट कर लूंगा पूरा, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद सबसे पहले इसका कलर चेंज करूंगा। तो कलर चेंज करना है तो आप चाहो तो व्हाइट कलर अगर आपको लगाना है तो आप व्हाइट कलर लगा सकते हो, ठीक है। तो ये व्हाइट कलर यहाँ पे आपने चेंज कर लिया। अब इसको क्या करना है कि सबसे पहले आपको इसका जो है ये टेक्स्ट का जो साइज है वो इंक्रीज करना है। तो उसके लिए यहाँ पे फॉन्ट साइज पे आप जाओगे, जो भी साइज आपको पसंद आए वो साइज यहाँ पे आप जो है इसको लगा सकते हो, ठीक है, जितना भी आपका रिक्वायरमेंट हो उसके हिसाब से। अब यहाँ पे मैंने अपने साइज लगा दिया, ठीक। अब क्या करना है कि मुझे मान लीजिए फॉर्मेट चेंज इसका करना है, तो मान लीजिए ये फॉन्ट आपको चेंज करना है। तो फॉन्ट चेंज करने के लिए आपको क्या करना है कि यहाँ पे आपको फॉन्ट का ऑप्शन मिल जाता है, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको बहुत सारे फॉन्ट मिल जाएंगे। तो मैं ये ओसवाल्ड जो है वो यूज़ कर लूँगा, इसका बोल्ड मैं यूज़ कर लेता हूँ ओसवाल्ड का। इसके पीछे अगर आपको मान लीजिए इसके पीछे बैकग्राउंड लगाना है, ठीक है, ये आपका जो है इसके पीछे आपको बैकग्राउंड अगर लगाना है तो आप क्या करोगे, इसको सेलेक्ट करोगे और यहाँ पे आपको ये ऑप्शन मिलता है, ठीक है, इसमें से आप कोई भी चूज कर सकते हो, ठीक। मैं इसके बैकग्राउंड को चेंज कर लेता हूँ येलो में, ठीक है, और टेक्स्ट को मैं इस पर ब्लैक कर देता हूँ, चूँकि येलो पे वाइट जो है वो जचता नहीं है, तो ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे आप देखो ये जो है इस तरह से मेरा जो है लोगो और चैनल का नाम जो है यहाँ पे आ गया, ठीक। अब मैं क्या करूँगा कि इसमें अब थोड़ा सा डिज़ाइन कर दूंगा। डिज़ाइन कैसे करना है, तो यहाँ पे आपने पूरे को आपको सेलेक्ट रखना है और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप थ्री डॉट पे क्लिक करोगे और फिर फॉर्मेट ऑप्शन का यहाँ पे आपको मिल जाता है। फिर से आप जो है ड्रॉप शैडो पे जा करके यहाँ पे शैडो लगा दोगे, ठीक। उसके अलावा यहाँ पे रिफ्लेक्शन का आपको मिल जाता है। तो मैं रिफ्लेक्शन देखिए यहाँ पे जैसे ही मैंने रिफ्लेक्शन पे क्लिक किया तो ये नीचे रिफ्लेक्ट होने लगा, लेकिन हमें इतना रिफ्लेक्शन नहीं चाहिए। तो मैं इसका क्या करूँगा, साइज जो है वो कम कर दूंगा। तो अब देखो यहाँ पे साइज जो है वो कम होने लगा, ठीक है, और ट्रांसपेरेंसी इसकी मैं थोड़ी लो कर दूंगा, ठीक है। तो ये देखो हो गया। इस तरह से आप जो है कर सकते हो। डिस्टेंस चाहो तो आप इसको बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो डिस्टेंस, ठीक है। तो इस तरह से आपको जो है इसमें एडिट कर लेना है। उसके बाद अब आपको क्या करना है कि अब यहाँ पे आपका हो गया चैनल का लोगो हो गया, चैनल का नेम हो गया। अब आपको सोशल आइकन्स लगाने होते हैं, और अगर इसके नीचे आपको कुछ लिखना है तो टेक्स्ट बॉक्स आप फिर से वैसे ही सेलेक्ट करके लिख सकते हो। यहाँ पे फिर आपको जो है अब आप क्या करोगे कि अब यहाँ पे मुझे सोशल आइकन्स लगाने हैं। तो सोशल आइकन्स लगाने के लिए मैं फिर से क्या करूँगा, वही काम करूँगा, क्या इमेज पे आपको जाना है और यहाँ पे आपको अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर कर देना है, अगर आपके पास है इमेज पहले से डाउनलोड करके। या फिर आप क्या
करोगे, सर्च द वेब कर लोगे, सर्च द वेब करोगे, फिर से यहाँ पे आकर के आप सर्च कर लोगे। तो मान लीजिए इंस्टाग्राम का मुझे लगाना है, तो इंस्टाग्राम लोगो में लिख के यहाँ पे सर्च कर लूँगा, फिर यहाँ पे इंस्टाग्राम के इतने सारे लोगो आपको मिल जाएंगे, इसमें से आप जो है कोई भी एक सेलेक्ट करके इंसर्ट कर दोगे। ठीक है, तो इंसर्ट हो जाएगा यहाँ पे, और अब इसको आप क्या करोगे कि रिसाइज कर लोगे जो भी आपको चाहिए। ठीक है, इस तरह से आप जो है इसको रिसाइज कर लोगे यहाँ पे। उसी तरह से आप क्या करोगे, और दूसरे भी जैसे फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, पिंटरेस्ट हो गया, उसका लगाना है तो आप यहाँ पे लगा सकते हो। मैं तुरंत लगा करके आपको मैं यहाँ पे तुरंत दिखा देता हूँ। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि मेरा लोगो लग गया यहाँ पे, मैंने चैनल का नाम भी लिख दिया और यहाँ पे सोशल आइकन्स लगा दिए। और भी आपको यहाँ पे कुछ लिखना है तो आप टेक्स्ट बॉक्स लगा करके यहाँ पे आप जो है अपना ट्विटर हैंडल या फिर फेसबुक का जो भी नाम है, फेसबुक का जो प्रोफाइल नेम है या इंस्टाग्राम का जो भी यूजर नेम है, वो आप यहाँ पे लगा सकते हो। ठीक है, लगा करके आप इस तरह से अपना एक चैनल आर्ट बना के तैयार कर सकते हो। चूँकि मैंने आपको इसमें समझाने के लिए मैंने इसको जल्दी से ये बना करके आपको एक प्रोटोटाइप दिखा दिया, जिससे कि आपको एक आइडिया मिल जाएगा आपको चैनल आर्ट कैसे बनाना है। अब यहां पे आपका बन जाएगा। उसके बाद आप क्या करोगे कि जो आपने ऊपर ये लगाया हुआ है, तो अब इन सब चीजों को हटाना है, तो इसको हटाने के लिए क्या करोगे, फिर से आप इस पूरे को सेलेक्ट कर लोगे। अब जैसे सिर्फ आपको एक क्लिक करना है, तो आपने जो पहले का जो YouTube चैनल आर्ट का जो फॉर्मेट लगाया था वो सेलेक्ट हो जाएगा। फिर फॉर्मेट ऑप्शन पे आपको जाना है, और यहां पे जो आपने ट्रांसपेरेंसी यहां पे आपने डाली थी एडजस्टमेंट में, इस ट्रांसपेरेंसी को पूरा जो है वो खत्म कर देना है। तो अब आप देखो चैनल आर्ट जो है बनके आपका तैयार हो गया, देख सकते हो बिल्कुल ही प्रोफेशनल लग रहा है चैनल आर्ट। अब इसको सीधा आप जाकर के अपने चैनल में अपलोड कर दोगे। अपलोड करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे आना है, यहाँ पे चेंज पे आपको क्लिक करना है, और फिर आप जो है अपने कंप्यूटर से सेलेक्ट करके इसको अपलोड कर सकते हो। ठीक है, और फिर आप पब्लिश कर दोगे। तो इसी तरह से फ्रेंड्स आपको जो है वो चैनल आर्ट बना करके आपको स्लाइड्स में, और इसको क्या करना है कि यहाँ पे आकर के डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के लिए आपको सिंपली इस डाउनलोड पे जाना है, और यहाँ पे पीडीएफ में डाउनलोड कर सकते हो, जेपीजी और पीएनजी इमेज आपको मिल जाता है। तो पीएनजी पे सेलेक्ट करोगे, यहाँ पे डाउनलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, तो इसको फिर आप जो है वो सेव कर लोगे। ठीक है, तो इस तरह से फ्रेंड्स आपको चैनल आर्ट बनाना है। चैनल आर्ट बिल्कुल ही सिंपल तरीके से मैंने आपको बता दिया, जो कि आप आराम से अपने लिए बना सकते हो। तो फ्रेंड्स आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आ गई होगी, और आपको किस तरह से चैनल आर्ट बनाना है ये भी आपको पता चल गया होगा। तो चलिए मिलते हैं अपना नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।